आज का मील मेरा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी है और न्यूट्रिशन रिच है, और काफ़ी ज़्यादा इसमें प्रोटीन भी है। ऐसा मील अगर आप बनाते हो तो आपके वेट लॉस और आपके फैट लॉस ट्रेंडिंग में बूस्ट मिलता है। एक पैन लिया है, उसमें मैंने थोड़ा सा अनियन, टमाटो, गार्लिक और खूब सारा धनिया, और धनिया की जो स्टिक्स होती है ना वो भी चॉप करके ऐड की है। देन उसको थोड़ा सा देसी घी ऐड करके उसको कुक किया। कुछ स्पाइसेस मैंने ऐड किए जो मैंने नीचे मेंशन कर दिए हैं, आप कोई भी घर के नॉर्मल स्पाइसेस इंक्लूड कर सकते हो। देन मैंने घर का बना हुआ प्रोटीन ऐड किया, पनीर अपना, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया, अच्छे से मैं इसको मैंने मिक्स किया। जैसे ये थोड़ा सा रेडी हो जाएगा देन में ऐड करेंगे वी। वी क्या होता है, जो प्रोटीन में पनीर का जो पानी होता है उसको हम बोलते हैं वी। जो पनीर का पानी आप निकालते हो वो हमेशा अपने पास रखना चाहिए, अपनी रेसिपीज में यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उसमें काफ़ी अच्छा वी पाया जाता है। देन उसके पास साथ ही मैंने बनाया अपना हाई फाइबर, अपना ओट्स टीला, जैसे मैंने खूब सारी सब्जियाँ, सम स्पाइसेस, सॉल्ट, इन सबको ऐड करके ब्लेंड कर दिया था। देन उसकी मैंने बनाए चीले, जो बहुत टेस्टी और हेल्दी बनते हैं। हमेशा इसको अगर आप हाई फ्लेम पे बनाते हो और उसके बाद लो फ्लेम करते हो ना, तो वो बहुत अच्छे से कुक हो जाता है और बहुत अच्छा दिखता है बनाने में भी और खाने में भी, और बहुत टेस्टी बनता है ये चीला। इसमें मैंने बिल्कुल कम घी ऐड किया था, फिर भी ये बहुत क्रिस्पी बना था। इसको टाइम लगता है बट ये बहुत टेस्टी होता है। यहाँ मेरा पनीर रेडी हो गया, वहाँ पर मेरा चीला ऐड रेडी हो गया। ये है मेरा बैलेंस मील, ज़रूर ट्राई करना। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग।